ठीक है, तो अभी मैं और नानू जी हैं, हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से एक प्रोस्पेक्ट की माइंड ओपनिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम किसी घर पे जाएंगे, किसी फ्रेंड को मोदी केयर का प्लान जूम पे बताएंगे, तो कभी भी हम तुरंत मोदी केयर के ऊपर नहीं आएंगे कि देखो ये परिवर्तन है, इसमें 10 तरह की इनकम आती है, घर गाड़ी घोड़ा बंदूक सब कुछ मिलता है, कुछ नहीं बताएंगे। सबसे पहले मैं जो हूँ, मैं प्रोस्पेक्ट के लाइफ के अंदर जाऊँगा कि उसके लाइफ में चल क्या रहा है। ठीक है, प्रोस्पेक्ट के लाइफ में जाऊंगा कि भैया क्या चल रहा है, उसके लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हाल चाल पूछूंगा, हेलो नानू, क्या हाल चाल है। सर सब बढ़िया चल रहा है सर। ठीक है, तो अभी सर नहीं बोलोगे? आवाज ठीक आ रही है है, क्लियर? यस यस, आ रही है, ब्रिज जी बोल हाँ सकते हो, सर सर में वो मजा नहीं आता। ठीक है, तो नानू जी अभी कैसा चल रहा है सर एकदम लाइफ में? मस्त चल रहा है। तो अभी आप कहाँ पर जॉब कर रहे हो? काफी टाइम हो गया, बात नहीं हुई थी। जी भैया, मैं एक्चुअली अभी हॉस्पिटल में, जैसे पहले भी बताया था, मैं हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ एज ए टेक्नीशियन। अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई कहाँ तक करी थी तुमने नानू? जी मैंने एक्चुअली मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी थी, उसके बाद मैंने 2-3 कंपनी चेंज कर ली, अभी हॉस्पिटल में टेक्नीशियन करके अभी अच्छा वहाँ पे अच्छा वैकेंसी पे गए जॉब कर रहा हूँ। शादी वादी तो हो गई होगी ना, जी, और शादी तो हो गई, 2 साल बेटी हो गए। बेटी बेटा? एक बेटी है, ओके, और घर में कौन कौन है नानू जी आपके? जी भैया जी, माँ है, पिताजी है, ओके मैं, ओके, बीवी और बच्ची भी। और भाई बहन आप लोग कितने हो? मेरे 2 बहनें हैं, दोनों की शादी हो गई अपने अपने घर पे। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी आप किधर, गोवा में किधर किधर बताएं। साइड रहते हो? अभी मैं पंजिम में हूँ भैया, आप कैसे हो? हाँ, मैं भी अच्छा हूँ। पंजिम तो बहुत फेमस हो गया, वो एक मूवी आई थी ना, वो अजय देवगन वाली दृश्यम, उसके बाद सिंघम? से शिंगम या कौन सी आई थी, उसमें पंजिम बहुत फेमस हो गया था। तो दोस्तों देखो, ये जो प्रोस्पेक्टिंग चल रही है ना, इसमें थोड़ा सा कंट्रोल रखना है आपको। सामने वाले को ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि मैं उसका इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो अभी मैं नानू के घर के परिवार के बारे में जान रहा हूँ, ठीक है? तो आपको भी प्रोस्पेक्ट, वैसे देखो आपका दोस्त है तो यू नो वेरी वेल, बट थोड़ा सा फाइनेंशियल के तरफ जाना है, तो अभी मैं फाइनेंशियल की तरफ जाता हूँ। तो नानू, आजकल जॉब वगैरह कहाँ चल रहा है? वहीं पर चल रहा है आराम से, कोई अच्छा, तो दिक्कत कितना नहीं है अभी कितना फिलहाल। टाइम हो गया जॉब किए नानू? जॉब करते कितना समय हो गया? जॉब करते करते वैसे 8 साल हो गए, लेकिन यहाँ पे अभी 5 साल होने को आए गए एक जगह पे। अच्छा, 5 साल हो गया। हाँ तो क्या कहते हैं, कैसा है मतलब अभी जहाँ काम कर रहे हो वहाँ पर कैसा, सैलरी वगैरह सब टाइम पे देता है? जी, सब टाइम पे है, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी क्या कहते हैं, वही उसी वाले घर में रह रहे हो जहाँ पहले थे या कहीं नया बड़ा घर लिया वगैरह? नहीं, वही पे रह रहा हूँ, हमारा खुद का था, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया अभी। अच्छा, तो नानू जैसा कि मैंने बताया था कि एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो आज मैं बैठा हूँ कि तुम्हारे लाइफ के बारे में बात करने के लिए, फैमिली के बारे में बात करने के लिए, फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए, मतलब एज अ बड़े भाई समझ के मेरे को सारे जवाब जी। देना, क्योंकि देखो अगर कोई मेरा छोटा सगा भाई भी होता ना, तो मैं उससे इसी तरह सवाल पूछता, क्योंकि लाइफ जो है ना आज के डेट में वेरी अनसर्टेन है। लाइफ बिल्कुल उस पानी के जी बुलबुले के जैसे है कि बराबर, कल को क्या हो जाए हमको कुछ नहीं पता। सही भैया, सही बोल रहे तो अभी ये जो जॉब चल रहा है, इससे सारे खर्चे वर्चे सब कुछ आराम से हो जाते हैं मेरे? तो भाई देखो, मैं साफ साफ बताऊं, मेरी सैलरी 70-80 हज़ार है, और मैं कुछ अलग से भी फ्रीलैंसिंग का काम करता हूं, बट महीने के आखिरी में कभी कभी ऐसा होता है कि दोस्त से पैसे मांगने पड़ते हैं क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए। तो अभी नहीं। कितना एक्चुअली दिन, भैया सबका वही कंडीशन चालू है। तो सैलरी अगर तुम्हारी 5 को आती है, 1 को आती है, तो महीने भर चल जाती है? कभी नहीं भैया, कभी नहीं चलती है, जो आती है 5-6 तारीख तक खत्म हो जाती है, बाद में 1 तारीख का फिर से इंतजार करना पड़ता है। ओके ओके, अच्छा बेटी है ना, क्या नाम है बेटी का आपके? दिविशा? ओके, तो दिविशा का अभी क्या है, पढ़ाई वढ़ाई शुरू हो गया, प्ले स्कूल में जा रही है, क्या है? नहीं अभी नहीं, अभी तो ये 1.5 साल की है, अभी 2-2.5 साल के बाद डालेंगे। ओके ओके, तो नानू उधर अगर एक अच्छे स्कूल की बात करें,
डीपीएस टाइप का, या बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हैं, तो क्या लगता है कितना होता होगा एडमिशन फीस वगैरह? यहाँ पे तो मेरे हिसाब से एडमिशन एक नॉर्मल जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे इन एन एवरेज 30,000 40,000 मिनिमम ये अपना एडमिशन फीस है। बाद में महीने के 3,000 4,000 रहते हैं मतलब पचास स्टार्टिंग हजार में रुपये एडमिशन के लिए, और उसके बाद पर मंथ का 4-5 हज़ार रुपये ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस हर महीने के लिए। तो नानू अभी अभी 1.5 साल की है, तो एटलीस्ट 3-4 साल में तो एडमिशन कराना पड़ेगा। जी भैया जी तो मतलब अभी से कुछ सेविंग वगैरह कर रहे हो उसके लिए? कैसे करोगे अगर एक अच्छे स्कूल में पढ़ाओगे? जैसे कि सबको मालूम है कि एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आई होप कि तुम पैसे वैसे सेव कर रहे होगे, क्योंकि देखो एटलीस्ट 1 लाख रुपए खर्चा मान के चलो, फिर स्कूल बैग भी चाहिए, किताबें भी चाहिए, आने जाने का भी होता है। तो आई होप तुम कुछ सेविंग कर रहे होगे अपनी बेटी के लिए एडमिशन के लिए। भैया कहाँ पे हर महीने में 7-8 तारीख के बाद दोस्तों के पास मांगना पड़ता है, कहाँ पर सेविंग, और वो तो सोचना ही बंद कर दिया है। ओके ओके आमदनी 8,000 खर्चा रुपया हो गया यहाँ पर अभी। ओके ओके तो नानू देखो, हम लोग तो वैसे काफ़ी क्लोज भी रह चुके हैं, तो अगर मैं ये पूछूं कि अगले एक दो जी साल में कहाँ देखते हो अपने आप को, मतलब वॉट एवर यू आर डूइंग, तुम जॉब भी कर रहे हो और घर पे मतलब मम्मी पापा का भी थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगा आई नो, तो अपने आप को जो जॉब कर रहे हो मणिपाल हॉस्पिटल में, क्या मतलब क्या लगता है अगर यही जॉब करोगे तो अगले 2 साल में क्या कहते हैं कहाँ देखते हो अपने आप को? कि वॉट अगर मान लो तुमको 30,000 मिलता है रुपीस इन हैंड या जो भी सैलरी है, तो क्या लगता है अगले एक दो साल में कितना बढ़ जाएगा या कहाँ तक पहुँच जाओगे? भैया कितना भी बढ़ेगा तो भी खर्चा उस हिसाब से बढ़ते रहेगा ना हर साल के हिसाब से, तो पेमेंट उस हिसाब से उस टाइम पे उस हिसाब से उतना ही रहेगा कितना भी बढ़ने दो। सोच रहा हूँ कुछ अलग सोचने का, पता नहीं क्या दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है अभी हाँ, इसीलिए एक्चुअली मैं नानू वैसे मैं थोड़ा। मिलना चाह रहा था तुमसे, मैं यही देखना चाह रहा था कि क्या हाँ चल रहा है लाइफ में, क्या करना है, क्योंकि अभी मैं बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ इसी टॉपिक पर, और क्या कहते हैं मेरा जी पैशन भी है कि मैं लोगों की मदद कर पाऊँ, तो इसी सिलसिले में मैंने तुमको बुलाया था कि आज संडे का टाइम है तो चलो बैठते हैं बात करते हैं, क्या पता मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर पाऊँ। तो नानू अगर मैं ये पूछूँ कि अभी कोई ऐसी ऐसा कोई लाइबिलिटी है, कोई लोन चल रहा है, एजुकेशन लोन, हाउस लोन, कार लोन, कुछ ऐसा है क्या लाइफ में? हाँ कार लोन और पर्सनल लोन है, शादी के लिए लिया था तो वही EMI इसमें चले जा रहे, पूरा EMI पेमेंट मेरा। ओके, मतलब सैलरी तो वही होगी मालूम ही प्राइवेट में कितना मिलता है, और उसके ऊपर भी कार हाँ लोन और ये शादी लोन का जा रहा पर्सनल होगा, लोन, पर्सनल लोन का हाँ जा रहा है। तो उसके लिए भैया बोला था ना 5 तारीख तक पूरा खत्म हो जाता है, 5 तारीख के बाद दोस्तों के पास से लेना पड़ता है। तो यार तब तो बहुत ही प्रॉब्लम होगी पैसे की घर में। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। चलो ये तो एक बात हो गई कि पैसे की प्रॉब्लम है तुमको, बट ऐसा कुछ ड्रीम है या फिर कुछ ऐसी चीज़ हो जो आज तक चाहते थे नहीं कर पाए, अगले 2-3 साल में कोई ड्रीम है, घर लेना है या कुछ भी ऐसा जो सोच के रखा हो बट अभी तक हो नहीं पाया जॉब से? भैया कहाँ पर होने वाला है, सोचने से कुछ फायदा भी नहीं है। अभी 5 साल से सोचते आ रहा हूँ ये करूंगा वो करूंगा, अब तक कुछ नहीं हुआ है। अभी आपको बता के तो भी क्या क्या फायदा। यस यस देखो नानू, अगर फॉर एग्जांपल मैं आईटी की जॉब करता हूँ गुड़गांव में, हाँ और मेरा सैलरी मान लो अगर 50,000 है, और मैं यही काम पिछले 10 साल से करता आ रहा हूँ, और अगले 10 साल भी मैं यही हाँ काम करूँगा, तो मेरे को उतना ही मिलेगा जितना मिलता आया है। मतलब अगर मेरी साल भर में 2,000 पगार बढ़ती है, 55 से 57 हज़ार हो जाएगी, या 3,000 बढ़ती है, अभी इस साल तो कोरोना के चक्कर में 1 रुपये बढ़ा भी नहीं है, जॉब ही चल जाए बहुत बड़ी बात है। तो जी सीधी जी सी बात है कि अगर मैं जो कर रहा हूँ अगर मैं वही करता रहूंगा तो मेरे को वही मिलेगा जो मेरे को मिलता है, मतलब कुछ और तो करना पड़ेगा जी अगर लाइफ में कुछ और चाहिए। हाँ वो तो है, वही सोच रहा हूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, टाइम भी चाहिए ना उस तो नानू हिसाब मैं तुम्हारे सामने 3 ऑप्शन रखता हूँ स्क्रीन पे, जो मेरे हिसाब से तुम्हारे लाइफ से। का पहला प्रियोरिटी है। पहला है तुम्हारा पर्सनल लोन, ठीक है? अभी कितना लोन बाकी होगा नानू, जी लगभग कितना लोन बाकी होगा अमाउंट में? अराउंड 5 to 6 lakhs। ओके, 6 लाख लिख लेता हूँ। उसके बाद कार लोन कितना बाकी होगा लगभग? सॉरी पर्सनल पर्सनल लोन ना 1.3 कम कर दीजिए सर, बहुत ज्यादा हो गया पर्सनल लोन। चलो ठीक है, मैं इसको मैं फोर टोटल पॉइंट कह फाइव रहा कर था, देता टोटल कह रहा हूँ। था चलो ठीक है, अभी मैं अलग कर देता हूँ। अलग दूसरा वाला कार का कितना होगा? 1-2 लाख?
हाँ कार का 2.5 लाख है अभी, 2 लाख है। हाँ ठीक है, कार का 2 लाख कर लेते हैं। और तीसरा जो तुमने बताया कि बेटी का एडमिशन करना है, ठीक है, हाँ तो बेटी का एडमिशन का भी तुमको एटलीस्ट अगर मैं बताऊं तो 70K मान के चलो, पढ़ाई वढ़ाई ये करके, मतलब ये अभी ठीक है तुमको नहीं नेक्स्ट 2 ईयर में चाहिए, अभी नहीं नहीं चाहिए। नहीं भैया जी, 70K से मुझे नहीं लगता उस टाइम पे शायद 1 लाख 1.5 लाख तक जा सकता है मेरे तो ठीक हिसाब है, से। चलो ठीक है, हम लोग आगे का ले लेते हैं। तो नानू देखो, अभी सब कुछ सामने हमारे, और देखो जॉब का भी कुछ भरोसा नहीं है, प्राइवेट जॉब में कितना प्रॉब्लम चल रहा है सबको मालूम है। तो देखो इसीलिए मैं आया था देखने क्या चल रहा है लाइफ में, और मैं कैसे तुमको काउंसलिंग कर सकता हूँ। एक्चुअली मैं फाइनेंशियल काउंसलर हूँ, और बहुत सारे लोगों को मैं पार्ट टाइम में काउंसलिंग देता हूँ, और कुछ अपॉर्चुनिटी भी मेरे पास है। तो नानू देखो, ये तीन प्रॉब्लम जी चल रहा है लाइफ के अंदर, तो अगर मैं तुमको एक रास्ता बताऊँ जिससे ये जो तुम्हारा लोन है 4.5 लाख का, और ये जो कार का लोन है 2 लाख का, अगर ये मैं पिछले एक हाँ साल में तुमको कुछ ऐसा बताऊं कि पिछले 1 से 2 साल में तुम बड़े आराम आराम से काम करके इसको फ्री कर सकते हो और एक्स्ट्रा इनकम भी कर सकते हो, तो क्या सुनना चाहोगे? 1-2 साल में 1-2 साल में ये सारा लोन चुकता कर सकते हो, अपने जॉब को छोड़ने का जरूरत नहीं है, पार्ट टाइम में काम करके मेरे साथ, तो करना चाहोगे? पार्ट टाइम में भैया उतना टाइम भी चाहिए ना, समय उतना नहीं है ना मेरे पास, 1-2 घंटे बच जाते हैं शाम को ड्यूटी हाँ से तो आने मेरे के को बाद। डेली अगर 1 से 2 घंटे दोगे नानू तो चलेगा, और अगर वीक की बात करोगे तो वीक का मेरे को 6 से 8 घंटा चाहिए, तो क्या तुम दे सकते हो अगर तुम्हारी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो? जी, क्या ये टाइम मेरे लिए फ्लेक्सिबल रहेगा या यस यस, फ्लेक्सिबल आपके रहेगा, तुम हिसाब से क्या दोपहर में करो, रहेगा? रात में करो, कभी भी करो, ये ऑनलाइन काम होगा और तुम्हारे लिए फ्लेक्सिबल होगा। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ इनकम थोड़ा भी 3-4 हज़ार भी आने लगा तो मेरे लिए बहुत बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। डेफिनेटली आएगा, अगर 1 से 2 घंटा देते तो 10 to 20K कमा सकते हो महीने का। तो चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बता सकते हैं कुछ उसके बारे में? डेफिनेटली इसीलिए मैं आया हूँ, वही चीज़ बताने के लिए, ठीक है। बट मतलब तुम सीरियस तो हो ना? सीरियस तो ऑब्वियसली हूँ, क्योंकि मेरा खर्चा वैसे तो जॉब से चलने वाला नहीं है, कुछ तो एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा, नहीं तो दौड़ना पड़ेगा रेस में ठीक है, सबसे तो नानू पीछे। मैं यही बता रहा हूँ, अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, और लाइफ जो है वो बेटर हो जाएगी, लोन फ्री लाइफ हो जाएगी, और मतलब महीने का अगर जॉब के साथ जी। मिलाओगे तो एटलीस्ट 40-50 थाउजेंड आराम से कमा सकते। तो भैया बहुत अच्छा है, जल्दी से बता सकते तो बता दीजिए, क्या मिलना ठीक है पड़ेगा? ठीक है ठीक है, बिल्कुल मिल भी सकते हैं, और मैं जूम पर जैसे अभी बता रहा हूँ वैसे बता सकता हूँ। ठीक जी है, तो कोई अभी दिक्कत नहीं, मैं अभी कभी ये भी रेडी। कन्वर्सेशन फिनिश हो गया मेरा और नानू का, ठीक है, कन्वर्सेशन फिनिश। कितना टाइम लगा होगा नानू हम दोनों को बात करते हुए? अभी 15 मिनट आई मैक्स गेस, मैक्स मैक्स 10 to 15। 15 मिनट मान लेते हैं। अब तुम मेरे को हाँ बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या आया ये सब बात होने से, जेन्युइन सर, क्या ऐसा लगा? लग रहा है तो शायद वो अपॉर्चुनिटी सिर्फ मेरे लिए आई है। नहीं, और एक और चीज हुआ होगा, तुमको ये समझ में आया होगा कि लाइफ कितनी सीरियस है, तुम्हारे ऊपर कितना कर्जा है और तुमको कैसे चुकाना है, मतलब वो चीज़ एक फ्लैशबैक हो रही होगी कि हाँ यार कितना सारा प्रॉब्लम है, मैं कैसे जॉब से करूंगा, तो शायद कुछ मिल जाएगी, मेरा काम हाँ आसान हो जाए। तो ये बताओ, हाँ अगर मैंने इतना टॉक नहीं किया होता, फिर तुमको प्लान दिखाता और मैं चेक दिखाता कि मेरे को यहाँ से 50,000 10,000 आ रहा है, तो ज्वाइनिंग के चांसेस ज़्यादा थे, या मैंने अब तुमको भूख लगा दी कि भैया कुछ चाहिए मेरे को, अगर हो गया तो पैसा आ जाएगा? अब अगर मैं तुमको परिवर्तन प्लान दिखाऊंगा तो क्या लगता है कि तुरंत ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा भी होगा? अभी जो जो हमारे बीच में 10-15 मिनट के बातचीत हुए उसमें तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस है, 99.9% चांसेस है ज्वाइन होने के। डेफिनेटली, और अगर तुम मेरे अच्छे फ्रेंड हो और हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तो मैं चाहूँ तो Faster 10 की भी ज्वाइनिंग लगवा सकता हूँ, 10-15 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करा के तुम्हारे, क्योंकि अभी तुमको पूरा भूख लग चुका है हाँ काम का। ठीक होता है, है तो सर। दिस इज कॉल्ड माइंड ओपनिंग, ठीक है, ये 1 दिन में नहीं आएगा, इसके पीछे मेरा काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है, काफ़ी सारे लोगों से मैंने बातचीत किया, तो दिस इज कॉल्ड माइंड ओपनिंग, सामने वाले के लाइफ में घुसना है, उससे पूछना है, बट ऐसा भी नहीं लगना चाहिए उसको कि यार ये क्या पूछ रहा है, ये क्या है, तो थोड़ा सा इमोशनल वो करना है, और कुछ डायलॉग भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं कुछ डायलॉग भी आपको दूंगा जो डायलॉग मेरे लाइफ में बहुत काम आए हैं, ठीक है। तो डायलॉग वन क्या कहते हैं, ये है मेरा डायलॉग, जब मैं किसी से माइंड ओपनिंग करता हूँ तो मैं डायलॉग यूज करता हूँ, ठीक है,
तो मैं ऐसा कहता हूँ कि नानू देखो यार, अभी तुम्हारा एज मेरे ख्याल से 25-26 होगा, मेरा भी एज जो है वो 30-35 है। तो यार देखो, अभी हम लोग का ना जो लाइफ है, 50% लाइफ हम लोग का जा चुका है। क्योंकि क्या लगता है नानू, एक आदमी कितना जीता है आज के टाइम में? मैक्सिमम 70 इयर्स, आजकल के एवरेज एवरेज की बात करें तो 70 तो 60 टू 70 इयर्स, 70 70 का आधा कितना होता है? 35। 35। तो मतलब एटलीस्ट हमारी आधा लाइफ तो जा चुका है ना, जी सर, मतलब इंटरवल का पहले का पिक्चर तो हमारा जा चुका है ना, वो तो खत्म हो गया, वो मतलब आएगा नहीं वापस। मतलब इंटरवल के पहले का पिक्चर खत्म हो गया। और पिक्चर कितना हिट है कितना फ्लॉप है वो तुमको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। जी और अभी अगर सेविंग अकाउंट खोल के देखे तो शायद शर्म आ जाए मेरे को अपना अकाउंट का बैलेंस देखकर। वो तो नानू अभी इतना लाइफ चला गया तो अभी कुछ करना चाहिए ना हम लोग को सीरियसली। ऑब्वियसली कुछ तो सीरियसली ऐसा करना चाहिए कि एटलीस्ट जो आने वाले हमारे बच्चे लोग हैं वो तो इतने तकलीफ में ना हो जैसे हम लोग हैं। यस, मतलब कल को अगर बेटा ये कहेगा कि तुमने मेरे को बेस्ट स्कूल में नहीं पढ़ाया, पड़ोसी ने अपने बेटे को बेस्ट स्कूल में पढ़ाया, तो एटलीस्ट वो गिल्ट फील नहीं होना चाहिए अपने आप को। जी, तो ये एक डायलॉग है मेरा, क्या कहते हैं, इंटरवल के पहले का पिक्चर, मैं इसको बोल देता हूँ, इसको लिख भी सकते हो। ये बहुत काम करता है, मतलब ये जो है ना ये सीधे प्रोस्पेक्ट के दिल के अंदर तीर घुस जाता है जाके। ठीक है, ये एक डायलॉग हो गया। दूसरा डायलॉग मैं उससे बोलता हूँ, ये सारा जो डायलॉग है ना ये ज्वाइनिंग के चांसेस बढ़ा देता है। दूसरा मैं बोलता हूँ कि एक बात बताओ नानू, कि ये जो एक क्या कहते हैं, एक जो कार होती है, कार में टोटल कितने पहिए होते हैं? कार के लिए चलाने के लिए 4 और एक स्पेयर 5। वो स्पेयर क्यों होता है नानू? कभी भी कभी पंचर हो गया तो उस टाइम पे इस्तेमाल करने के लिए। तो नानू अभी जो भी जॉब कर रहे हो, या कहते हैं अपना हॉस्पिटल वाला, मान लो भगवान ना करे, ऐसा भगवान ना करे कि कभी हो, मान लो अगर वो जॉब चला जाता है, तो क्या तुम्हारे पास अपने घर का दाल रोटी चलाने का कोई और सोर्स है पैसा कमाने का? फिलहाल तो कोई भी नहीं है, क्या लगता है होना चाहिए? ऑब्वियसली कुछ तो प्लान भी होना चाहिए, यस, एटलीस्ट 10-15 हज़ार। तो इसीलिए आज जो मैं लेकर आया हूँ अपॉर्चुनिटी, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा एक बार जॉब चला गया था और मैं ऐसा हो गया था कि यार अब क्या होगा लाइफ में। और उस समय मेरे को समझ में आया कि मल्टीपल इनकम सोर्स होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये इस डायलॉग का नाम है, कार में कितने पहिए होते हैं। ये सब जब डायलॉग मारोगे ना प्रॉस्पेक्ट को, तो वो सीरियस हो जाएगा, फिर बहुत ध्यान से देखेगा कि क्या दिखाना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो। ठीक है, तो ये कुछ डायलॉग हैं, और धीमे धीमे कन्वर्सेशन जब आप करोगे तो समझ में आएगा। बट अगर इस तरह प्लान दिखाओगे ना, और उसके बाद आपने मोदी केयर को एज अ अपॉर्चुनिटी दिखाया, अभी क्या है, सामान सस्ता है, ग्राहक बनने के फायदे, उसको लगता है भाई दुकान बदलना है और सामान खरीदना है, बट उसको अपॉर्चुनिटी तो दिखती नहीं कि यहाँ से लाखों रुपए आ सकते हैं। दोस्तों, हाँ, ये जो प्लान है ना, ये प्लान दिखाकर आप ऐसा ऐसे कंपनी में पैसा लगवा सकते हो जिसमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता, केवल ज्वाइनिंग के 50,000 रुपए लगते हैं। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं मार्केट में जो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर केवल डायरेक्ट सेलिंग की पावर को बेच रही हैं। उसमें कोई प्रोडक्ट प्रोडक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, बस वो ऐसे ही थोड़ा सा माइंड ओपनिंग करते हैं, सामने वाले को बताते हैं क्या लाइफ में चल रहा है, और कुछ भी, मतलब ये कैसा टेक्निक है ना, जो अगर समझ में आ गया, आप ये ट्राई करना अपने दोस्तों से, इस तरह का बात करना जैसे मैंने बात किया, उसके बाद उसको मोदी केयर का प्लान समझाना, देखना ज्वाइनिंग अगर अभी 10 में से 2 की आ रही ना, तो 10 में से 4 या 5 की ज्वाइनिंग आने लगेगी। बट ये एक दिन में नहीं आएगा, ये धीमे धीमे आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा माइंड जी ओपनिंग का। आई होप आज का सेशन कुछ नया सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सर, जो फॉलो अप एंड क्लोजिंग होता है, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हम बोलते हैं हेलो उसको। हेलो, सर, ऑलरेडी 2 घंटा हो गया, मुझे लगता है कि अब हम लोग को बंद कर देना चाहिए, जो बच्चा है कल कर लेना चाहिए। 1 मिनट, ओ सॉरी, 10 बज गया। ठीक क्योंकि है, सर हम एक्चुअली लोग 8 बजे अंकित से ज्वाइंड है। अंकित सर का सेशन था ना, तो इस वजह हाँ से हाँ सच में बहुत हाँ टाइम हो गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का सेशन काफ़ी लंबा हो गया, अच्छा हुआ मैम ने याद दिला दिया, और वैसे भी 10 बज चुके हैं हमारे। तो इसको आप बिल्कुल लोग सर, क्या कहते हैं, ट्राई करना प्रैक्टिस करने का, और बताएं किसी दोस्त को, ऐसा बात करना, बट मोदी केयर का प्लान मत समझाना, केवल इतनी सी टॉक करना जो मैंने आज करी है, उसके बाद वो खुद पूछेगा कि भाई क्या है, बताया नहीं तुमने।
ठीक है, तो चलो आज का सेशन यही रखते हैं, उसके बाद कल का क्या टॉपिक है कल ग्रुप में मैं डाल दूंगा। थैंक यही यू। सर, फॉलोअप है, फॉलोअप का करेंगे सर, फॉलोअप यस यस, कल फॉलो एंड अप, क्लोजिंग। कल फॉलो अप एंड यस क्लोजिंग सर, यस करेंगे। सर, फॉलोअप ही करेंगे, क्योंकि सर ठीक 10 बज है, रहा है ना, तो काफी टाइम भी हो गया, 2 घंटे हो गए जुड़े हुए। यस यस, ज़्यादा ही हो गया होगा मेरे ख्याल से 2 घंटे से। हाँ सर, ठीक है, चलो क्योंकि बाय। बच्चे लोग भी मुंह देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके।